हाय नमस्कार, सिटी न्यूज 100 में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ सुशांत सिंह। आपको बता दें कि बल्लमगढ़ की सुभाष कॉलोनी में मौजूद और यहां पर एक युवक का मर्डर हुआ है। ये देखिए, इसी भी समय तमाम यहां पर पुलिस के आला अधिकारी यहां पर मौके पर पहुंचे हुए। देखिए अच्छी खासी भीड़ है, ये देखिएगा। और मैं आपको बता दूं कि जो लड़का है वो किराए पर रहता था और दो लड़के किराए पर रहते थे, 15 तारीख को जो है कावड़ लेकर आए थे। और यहां पर देखिए अच्छी खासी भीड़ यहां पर है और ACP साहब समेत जो है तमाम यहां पर SHO जो है पहुंचे हुए हैं, तमाम यहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे हुए हैं। और ये देखिएगा तमाम यहां पर अच्छी खासी भीड़ है और अभी क्या कुछ सामने निकल कर आता है और ACP साहब से भी बातचीत करेंगे। परंतु ये देख लीजिए यहाँ पर भैया, क्या हुआ यहाँ पे भैया? मौत हो गई है अंदर। मौत हो गई, मर्डर हुआ है या फिर हत्या है? क्या है? अभी कुछ नहीं पता भैया, कुछ नहीं पता है। इसमें LIS के वजह से बात। मुनीश सहगल जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर मौके पर पहुंचे हुए हैं, क्या मामला है सुभाष कॉलोनी में? जी अभी जो है पड़ोसियों की तरफ से जो है एक सूचना मिली थी कि यहाँ पे स्मेल वगैरह आ रही है, तो यहाँ पे आके चेक किया गया तो अभी एक युवक है यहाँ पर जो यहाँ पर किराए पर रहता था, तो मृत पाया गया है। और पता लग रहा है कि जो है उसको कम से कम देखने से अनुमान लग रहा है कि जिसको 2-3 दिन से ज़्यादा जो है वहाँ पर जो है उसको जो है मरे हुए लग रहा है ऐसा, क्योंकि बॉडी डिकम्पोज भी हो गई है। और बाकी भी आस पड़ोस से पता कर जा रहा है और जो मकान मालिक है उनसे, आस पास जो पड़ोस में जो किराएदार थे वो भी, और जो पीछे जो जिन्होंने सूचना दी थी उनसे भी पता किया जा रहा है कि कोई ऐसी कोई सुनने में आई हो बात, कोई चीख पुकार सुनने में आई हो, तो उन चीज़ों के ऊपर सब तहकीकात की जा रही है। बाकी इनके जो परिवार वालों से भी संपर्क बना लिया है, उनको भी बुलाया गया है और जैसे भी मौची रखे जाएंगे और जैसे ही डॉक्टरी जैसे ही भी आगे आती है कि किन कारणवशों जो है इसे डेथ हुई थी, उस हिसाब से ही जो है इसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। युवक का क्या नाम है, कहाँ का रहने वाला है? ये गोंडा का रहने वाला है और कमल नाम का व्यक्ति है जी। और उम्र भी इसकी 27-28 साल के आसपास उम्र बता रहे हैं अभी जी। तो बाकी जैसे डिटेल मिलेगी जैसे परिवार वाले आते हैं तो वो शेयर की जाएगी। कब से किराए पर रहते थे, सूचना या अकेले रहते थे, कोई और भी रहता था? पहले कोई और था इनके पास, तो इन्हीं का मित्र था, तो इनको भी 2-3 महीने हुए थे आए हुए जैसा कि बताया गया है, तो उनके ही जो है संपर्क से इन्होंने यहाँ पे आना शुरू किया था। तो अभी जिनके सौजन्य से जिसके कमरा पहले दिया था उसको भी बुलाया जा रहा है, तो बाकी तहकीकात सारी की जाएगी। तो पुलिस को क्या लगता है प्रथम दृष्टि से कि मर्डर है या फिर आत्महत्या है? चीज़ें कुछ भी हो सकती हैं, बाकी जो है अभी बॉडी डिकम्पोज हो गई है तो वो चोट का निशान ऐसे में नहीं दिख रहा, लेकिन डॉक्टरी जो भी होगी जैसे डॉक्टर देंगे जैसे पर कुछ ना कुछ बात हो सकती है, कुछ भी चीज़ है हमें तो उसके लिए देखना पड़ता है कि जब आदमी कोई यहाँ पे और आसपास के भी बंदे यहाँ पर हैं और पता नहीं लगा कुछ भी ऐसा है तो क्या कारण होंगे, वो अभी क्लियर हो जाएंगे जैसे ही हम इसका मेडिकल जो है पोस्टमार्टम करवाएंगे। फिलहाल पुलिस क्या जो कार्रवाई, फिलहाल जो आसपास के जो है इसके जो संपर्क किया जा रहा है इसके पास जिसने इसको कमरा दिया था उसका और आसपास के पड़ोस वालों के साथ जो है वो पूछताछ कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर ACP मुनीश सहगल जी हैं और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आस पड़ोसियों से पूछ लेते हैं क्या मामला है। और ये देखिएगा ये कितने लोग रहते थे यहाँ पे मैडम? भैया हम तो पिछली गड़ी के यार। अच्छा, यहाँ पे कौन रहता है? आप रहते हो यहाँ पे? कितने लोग रहते थे यहाँ पे? यहाँ पे कितने लोग रहते थे? किराए वाले भाई, किराएदार। किराए वाले कब से रहते थे यहाँ पे? अब ये तो आते जाते रहते हैं ना। आते जाते रहते हैं। अच्छा, तो बदबू कब से आनी शुरू हुई? बदबू कब से आनी शुरू हुई भैया? कब बड़े से बताएंगे हमें, कहा पता? हम तो नीचे अपने घर में रह रहे हैं, हमें कहा पता? आज सुबह आई भाई। आज सुबह आई है? अच्छा, तो कितने? दो लोग रहते थे? हाँ बिल्कुल। देखिए यहाँ पर पुलिस की आला अधिकारी की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए। देखिए कौन से फ्लोर बताया जा रहा है, थर्ड पे, सेकंड पे? थर्ड पे। ये देखिए थर्ड फ्लोर पे यहाँ पर देख रहे हैं किराए पर रहते थे दो युवक, एक जो है 15 तारीख को कावड़ लेकर आए थे और यहाँ पर जो है संदिग्ध हालत में मौत हो जाती है। पुलिस जांच कर रही है आखिर क्या कुछ इसमें निकल कर आता है। और गोंडा UP के रहने वाले हैं, यहाँ पर आला अधिकारी की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है, पुलिस की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची हुई है। ये देखिएगा यहाँ पर तमाम तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए, SHO साहब पहुंचे हुए हैं और आदर्श नगर का मामला है, सुभाष कॉलोनी का मामला है। और ये देखिए ACP यहाँ पर है भाई साहब, गले नंबर 15, ये देखिएगा। और यहाँ पर ACP समेत तमाम यहाँ पर आला अधिकारी पहुँचे हुए हैं। और मैं आपको बता दूँ कि ये जो मर्डर है या कुछ और है, क्या कुछ सामने निकल कर आ रहा भाई साहब? मैं भी अभी जस्ट ही आया हूँ। अच्छा, तो क्या सूचना मिली? ऐसे सुनने में आया कि एक किराएदार था जिसका जो है क्या कहते हैं हत्या हो गई है जी। हत्या हो गई है, मरा है क्या है? अब ये तो तहकीकात के बाद साहब लोग ही बताएंगे क्या है सच्चाई। अच्छा, तो बदबू काफी बता रहे थे कि बदबू काफी आ रही थी? हाँ ऐसा सुनने में आया है। अच्छा, सुनने में आया जी। अच्छा, तो आप सूचना मिलते हैं यहाँ पे? आप जी 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 सूचना मिलते हैं, जस्ट पहुँचा हूँ। देखिएगा यहाँ पर ACP साहब निकल रहे हैं, अब जो है डेड बॉडी को जो है पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और उसके बाद BK की मोर्चरी पर रखवा दिया जाएगा। यहाँ पर SHO साहब भी यहाँ पर मौके पर पहुँचे हुए आदर्श नगर थाने के, और
यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है और मौके पर जो है भारी पुलिस बल तैनात है। ये देख लीजिएगा और यहाँ पर तमाम यहाँ पर लोग भी मौजूद थे। मैं आपको बता दूं कि सुभाष कॉलोनी में मौजूद था और यहाँ पर एक सूचना मिली थी कि एक लड़के की जो है डेड बॉडी बरामद हुई है। पुलिस ने डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर अब बीके की मौजरी पर रखवा दिया जाएगा। फिलहाल आप मेरे साथ देख रहे थे सिटी न्यूज़ 100। नमस्कार।